तो दोस्तों कैसे हो आप। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर दोस्तों जब भी किसी का भी कॉल आता है आपके नंबर पे तो वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका वो कॉल रिकॉर्ड ना हो तो फिर आप हमारे आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वही स्टेप्स बताए बहुत ही सिंपल तरीके से। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली दोस्तों आपको नीचे में इस मोबाइल वाले यानी कि डायलर पैड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको हर एक वो नंबर देखने को मिल जाएगा जिससे भी आपने बात करा होगा। अब दोस्तों आपको कॉल रिकॉर्डिंग ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर में दिए गए ये जो थ्री डॉट का ये जो ऑप्शन आ रहा है सिंपली आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन को चूज़ करना होगा और यहाँ पे फिर से काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों आपको अपना ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड ऑफ करने के लिए या फिर बंद करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली दोस्तों यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का ये जो ऑप्शन आ रहा है सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करना होगा। और दोस्तों यहाँ पे सिलेक्टेड नंबर का ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, सबसे पहले तो आप इस पर जाएंगे और आपने जिस पर्सन को भी सिलेक्ट करके रखा होगा आपको उसे यहाँ से रिमूव कर देना है। फॉर एग्जांपल मेरे में एक था, आप में जितने सारे नंबर होंगे सिंपली दोस्तों आप हर एक नंबर को यहाँ से डिलीट करोगे। और उसके बाद में यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है ऑलवेज रिकॉर्ड सिलेक्टेड नंबर, सबसे पहले तो आपको इसको बंद करना है। इससे क्या होगा कि अगर आपने किसी भी नंबर को सिलेक्ट करके रखा हुआ है कि मान के चलो किसी एक पर्सन का आपको कॉल रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ से उस नंबर का कॉल रिकॉर्ड अब नहीं होगा, बंद हो गया उसका। अब उसके बाद में हम आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में यहाँ पे दोस्तों नंबर नॉट इन योर कॉन्टेक्ट यानी कि आपका मोबाइल नंबर में आपके मोबाइल में जिसका भी नंबर सेव नहीं है उसका कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे होगा या फिर नहीं होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि किसी का भी रिकॉर्डिंग ना हो तो सिंपली दोस्तों आपको इसे भी ऑफ कर देना है। जब दोस्तों आप इतना सेटिंग कर लेते हैं तो फिर दोस्तों आपका जो भी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का जो भी ऑप्शन रहता है वो ऑफ हो जाता है यानी बंद हो जाता है। जब भी अब आपको कोई भी पर्सन कॉल करेगा तो उसका कॉल जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट में आप यस ज़रूर लिख दें, अगर नहीं समझ में आया तो नो ज़रूर लिख दें कि मुझे समझ में नहीं आया है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।